तो देखिए प्रश्न नंबर 21 21 देखिए ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ये बोला है क्वेश्चन में कि इतना का प्रति अवकलज है, यानी चार ऑप्शन दे दिया है, आप लोग किताब में देख सकते हैं। तो देखिए ये प्रति अवकलज को ही समाकलन करते हैं, ये तो पता है। तो देखिए चलिए समाकलन करते हैं हम लोग। तो समाकलन यहाँ पे एक्स, सॉरी ये भी रूट में है, ये भी कितना है रूट में है, तो रूट में प्लस में 1/√ एक्स, ब्रैकेट बंद करके यहाँ पर dx कर दीजिए। देखिए ये अलग अलग कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा रूट में एक्स, यानी रूट में एक्स है यानी 1/2 dx। ठीक है, रूट को ही बोलते हैं 1/2। प्लस में देखिए यहाँ पे 1/x का पावर कितना होगा, 1/2 dx। अब देखिए यहाँ पे समाकलन x का पावर 1/2 dx प्लस, देखिए तो बाई में होगा नहीं, समाकलन इस फॉर्म में नहीं होगा, तो ऊपर लेकर चलिए। तो जब ऊपर ले जाएंगे तो पावर पॉजिटिव होता है तो ऊपर जाएगा तो निगेटिव, तो ऊपर ले चलेंगे तो निगेटिव dx। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, पावर एक जोड़ेंगे, तो चलिए पावर एक जोड़ दीजिए। तो x का पावर 3/2, पहले से 1/2 है, 1 जोड़ेंगे, देखिए ना 1/2 प्लस कीजिए 1, बटा के जोड़ बनाइए, 3/2 ही आएगा। अब देखिए क्या करते हैं लोग कि इसी को यहाँ पे पलट कर लिख देते हैं लोग, बटे में लिखेंगे तो पलटेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, प्लस में देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, 1 जोड़ना है, तो पहले से है -1/2, प्लस कीजिएगा 1, यानी 1/2 ही आएगा। समझिए कैसे, ये 1 है, 1 में से हमको आधा घटा देना है, माइनस मतलब घटाना आधा, तो आधा घटा देंगे तो कितना होगा, एक्चुअल में तो हम लोग जोड़ रहे हैं ना +1, तो +1 कीजिए और बटा के जो घटा बना दीजिए, 1/2 ही आएगा। तो देखिए एक्स का पावर 1/2, आई 1/2 को प्लॉट कर लिख देंगे तो 2, बाई में 1 नहीं भी दर्शाएंगे तो कोई बात नहीं है, प्लस कीजिए सी। तो देखिए इतना आ गया। अब देखिए ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 कितना है, तो ऑप्शन नंबर आप लोग का सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आप लगा लीजिए क्योंकि सी ही होगा ये राइट आंसर। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 22 है, 22 में दिया है यदि d/dx(f(x) बराबर 4x³ - 3y(x) का पावर 4, जिसमें f, देखिए यहाँ पे कैपिटल है यानी कि समाकलन हो गया है वाला है। ठीक है, ध्यान रखेंगे स्मॉल होगा तो ये अभी dx अवकलन है और ये कैपिटल हो जाएगा तो कैपिटल होगा तो ये यानी समाकलन है। तो देखिए तो fx आपको बताना है, ऑप्शन भी दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये दिया हुआ है f(x) = 4x³ - 3x⁴। क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन कर देंगे। तो देखिए जब दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, यहाँ पे dx ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक है, तो देखिए अब ई बन जाएगा f(x) = यहाँ पे देखिए अलग अलग करेंगे तो ई हो जाएगा 4x³ dx - 3, बाहर निकाल लीजिए, बटे में x का पावर 4 है, ऊपर ले चलिए dx। ठीक है, बटे में प्लस में पावर है तो ऊपर जाएगा तो निगेटिव होगा। देखिए 4 ये हो जाएगा x⁴ बटे में 4 माइनस, यहाँ पे देखिए अब ये 3x⁻ 1 जोड़ेंगे तो -3 होगा, बटे में यही लिखना है। ठीक है, प्लस में कर दीजिए सी, ई आ गया हम लोग को fx बराबर। अब देखिए fx बराबर यहाँ पे 4 से 4 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, यही ना होगा, तो ये दोनों कट गया। तो अब केवल बचेगा x⁴ - 1/x³, क्योंकि ये ऊपर है तो नीचे ला दिए हैं हम। ठीक है, x⁻³ को नीचे लाएंगे तो इस तरह होगा। अब देखिए इसमें दिया हुआ है f2 = 0,
यानी यहाँ पे एफ लिख देंगे पहले, जब जब एफ यहाँ पे कैपिटल बनाएंगे, ध्यान रखेंगे टू इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे लिख देंगे एफ टू इक्वल टू, जहां जहां देखिए एक्स है तो यहाँ पे एक्स एक्स है, तो अब टू रखना है तो टू रख दीजिए, तो दो के पावर फोर, तो टू के पावर फोर माइनस वन बाई टू के पावर थ्री प्लस में कितना सी। तो अब देखिए क्या करेंगे हम, एफ टू इक्वल टू यहाँ पे देखिए दो के पावर फोर, तो दो के पावर फोर मतलब दो गुने दो, दो गुने दो, तो देखिए दो गुने दो आप यहाँ पे देख लीजिए, दो गुने दो गुने दो गुने दो, दो दुने चार दुने आठ दुना सोलह, कितना होगा जी सोलह, माइनस का वन बाई टू के पावर थ्री है, तो देखिए एक इसमें हटा देंगे तो यही ना होगा, पावर थ्री है तो तीन बार लिखेंगे गुना में, तो दो दुना चार दुना आठ यही ना होगा, तो यहाँ पे हो गया आठ प्लस में कितना सी। अब देखिए एफ टू इक्वल टू यहाँ पे देखिए एक बाटा के घटाव बना लेंगे तो आठ एलसीएम होगा, एलसीएम कितना होगा आठ, तो आठ होगा तो यहाँ पे देखिए इसमें कुछ नहीं है तो बाटा में वन है तो गुना करेंगे तो ये एक सौ अट्ठाईस होगा, माइनस का वन प्लस में सी। अब देखिए ये क्या करेंगे हम लोग, एफ टू बराबर कितना है जी जीरो, देखिए एफ टू बराबर जीरो, तो जीरो इक्वल टू ए माइनस, देखिए यहाँ पे गलती किए हैं लोग, ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ठीक है, क्योंकि देखिए ये भी माइनस में है ये भी माइनस में, तो प्लस हो जाएगा तो प्लस, तो यहाँ पर भी प्लस होगा प्लस, तो ये हो जाएगा एक सौ उनतीस बटे में आठ प्लस में सी। तो अब देखिए c बराबर हम लोग को निकालना है, तो c इक्वल टू समझिए c को हम इसी साइड रखे हैं, इसको भेज दिए हैं इस साइड, जब इस साइड आएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा क्योंकि उस साइड पॉजिटिव है, तो एक सौ उनतीस बटे कितना आठ। अब देखिए ये निकल गया हम लोग का c का वैल्यू, तो c का वैल्यू निकला है ये रख देंगे हम इसमें, इसको लेट कर लेंगे समीकरण वन मान लेंगे, तो इसमें रखेंगे तो देखिए एफ x इक्वल टू एक्स के पावर फोर प्लस वन बाई एक्स क्यूब माइनस माइनस एन प्लस सी, तो माइनस में आया तो माइनस में लिख दीजिए एक सौ उनतीस बटे आठ, यही आंसर। अब देख लीजिए ऑप्शन में कौन नंबर दिया है, तो ऑप्शन ए दिया है, तो यानी ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर।